हॉस्पिटल से वापस लौटी दादी। घर वाले दादी को दे रहे हैं आराम करने की नसीहत। अब क्या यान के बर्थडे की तैयारी होगी शुरू। हेलो एंड वेलकम, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टेली। टीवी सीरियल फालतू में दादी हॉस्पिटल से घर वापस आ चुकी हैं, जिसके बाद घर वाले उन्हें अच्छे से आराम करने की नसीहत दे रहे हैं। तो वहीं दादी को अचानक याद आता है कि अयान का बर्थडे आने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और वो भी कल ही। इसलिए अब काफी ज्यादा तैयारियां करनी है। विल दादी क्या कुछ कहती हैं, आइए आपको दिखाते हैं आज के इस वीडियो में। विल घर वाले अयान के बर्थडे सरप्राइज प्लान करने के लिए क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं ऑन लोकेशन की कुछ झलकियों में। रोहन से मिलकर आ रहे हैं, एक्शन। जी क्या कहा उसने? कुछ नहीं बाबा, कुछ खास नहीं। मुझे JMR दोबारा ज्वाइन करना होगा और कुछ दिनों के लिए मुंबई से बाहर जाना। मतलब ज्वाइन करते ही फील्ड वर्क पे लगा दिया तुझे? पर टेंशन मत ले ज़्यादा, थोड़े दिन में मैं भी ज्वाइन कर लूँगा। बाबा आप सिर्फ अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, मैं बिजनेस संभाल लूँगा। माचा थैंक यू फालतू। रोहन बोले हाँ लगाओ लगाओ, बहुत बढ़िया वेब सीरीज आ रही है आजकल। फालतू बोले नहीं चाचा जी, डॉक्टर ने इन्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है ना, वो मारधार वाली वेब सीरीज नहीं देखनी है। थे को कुछ अच्छा हल्का फुल्का लगाओ ना, स्टार प्लस लगाते हैं। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं देखना। एंड रोलिंग, रोलिंग थोड़ा इमोशनल सचिन डाउन दादी, रोलिंग एंड रोल, रोलिंग एंड एक्शन। स्टार प्लस लगाते हैं। एंड रोल, रोलिंग एंड एक्शन। देखा सब लोग थोड़ा सैड हो गए, सब लोग सैड इमोशनल थोड़ा सा देख रहे। ये शनाया कहाँ है? बोला वो सो रही है दवाई खाकर। बदतमीज लड़की दिख नहीं रही थी। देखा आपने प्रिंसिपल भाषा, मैं क्या कह रही थी कि जब सब ठीक हो गया है तो आप ऐसा जी को ले आइए ना, ऐसा जी को कॉल कर लीजिए, वो चली आए और सब एक साथ रहेंगे तो लड्डू से दादी का भी मन लगा रहेगा। प्रिंसिपल बोला मैंने आयशा को कॉल किया था लेकिन उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया, शायद अब भी नाराज है मुझसे। ए कहां से भेज रहे? आओ आगे आओ, आगे जा आगे जा। अभी क्यों भेज रहे हैं? बस लेफ्ट है। रोल, रोलिंग एंड क्यू एंड एक्शन। कुमकुम ने बोला कि फोन पर मनाएगा तो नाराज रहेगी। जोर से बोलना, कुमकुम ने बोला, सुनी नहीं रही। अच्छा नहीं सुन। रोल, मुझे नहीं सुनाई दे रहा, मैं इतनी नजदीक दादी कैसे सुनाई देगा। एंड रोलिंग एक्शन। पिंशुक बोला मैंने ऐसा को कॉल किया था लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया, शायद अभी भी नाराज है मुझसे। कुमकुम बोली कि फोन पर मनाएगा तो नाराज तो रहेगी ना, उसके घर जाके मना उसे, तू बोल तो हम सभी चलते हैं, ज्यादा जोर पड़ेगा। राइटर सुनना, राइटर राइटर और राइटर बस ज्यादा हो गया, थोड़ा लेफ्ट बस। रोल, रोलिंग हाथ नीचे रख पहले, दोनों हाथ में घड़ी पहना है, हाथ नीचे रख पहले। रोल, रोलिंग एंड एक्शन। देखा सुहाना आई, भाभी भैया कहाँ हैं? हाँ हाँ एक्शन। भाभी भैया कहाँ हैं? वो बाहर गए हैं। क्यों? अरे आप लोग उनके बाहर जाने का कोई फायदा नहीं उठा पा रहे हो। आप लोगों को पता है कल क्या तारीख है? सब शांत है एकदम। रोलिंग एक्शन। शनाय कहाँ है? वो सो रही है दवाई खाकर। अच्छा किंसुक भाई शाह, मैं क्या कह रही थी कि जब सब ठीक हो गया है घर में और हमारा घर छोड़ के भी कहीं नहीं जाने वाले,
उठे जाकर आयशा जी को ले आओ ना, सब साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा और लड्डू आएगा तो सबका मन भी लग जाएगा। किशोर ने बोला कि मैंने आयशा को कॉल किया था लेकिन उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, शायद अभी भी नाराज़ है मुझसे। तू अगर ऐसे फोन पे बनाएगा उसे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, तू उसे खुद मिलने जाना। सॉरी सर, एंड एक्शन किंचू, तू ऐसे फोन पे बनाएगा तो वो नाराज ही रहेगी ना। तू एक काम कर, उसे खुद मिलने जा और मना, वो जरूर मानेगी। ये तो हम एक काम करते हैं, हम सब चलते हैं, थोड़ा जोर पड़ेगा। आई भाई कहाँ है और आप यहाँ बैठे गप्पे मार रहे हो? फालतू बोली, बाहर गए हैं किसी काम से? क्यों? अरे क्योंकि आप लोग ना उनके बाहर होने का फायदा नहीं उठा पा रहे, इसलिए पूछ रहे हैं। कल क्या डेट है याद है किसी को? कल तो 10 तारीख है। कल 10 तारीख है, कल मेरे अयु का बर्थडे है, सब लोग कैसे भूल गए? फालतू बोली, अरे वाह, फिर तो कल कुछ खास करना बनता है। अच्छा एक काम करते हैं ना, हम सब में से कोई उन्हें जन्मदिन की बधाई नहीं देगा। अरे उन्हें ऐसा दिखाएंगे ना जैसे हम उन्हें जन्मदिन याद ही नहीं है, और फिर रात को 12 बजे सब एक साथ केक लेकर उन्हें सरप्राइज देंगे। सुहाना बोली, ये कैसे सरप्राइज हुआ? ऐसे सरप्राइज देना है तो 12 बजे विश ही नहीं करते, सब एक साथ कल करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसे कैसे? मेरे अयु को बुरा नहीं लगेगा कि हम सब उसका बर्थडे भूल गए, और वैसे भी हर साल उसके लिए मैं उसके पसंद का खाना बनाती हूँ, तो इस बार कैसा ना बनाओ। अरे सविता, कौन कह रहा है कि सच में बर्थडे भूलने के लिए, हम नाटक कर रहे हैं ना, और जब हम उसे एक साथ सरप्राइज देंगे तो उसे ज़्यादा मज़ा आएगा। और फालतू बोली, और खाना भी ना इस बार थे ही बनाओगे अपने बेटे के लिए, खास माँ के प्यार वाला। उनसे बोला, तो डील डन, तो कल तक कोई भी उन्हें बर्थडे विश नहीं करेगा। क्या भाई बताओ, किसके बारे में बात चल रही है, क्या हो क्या रहा है? खड़े हो गए तो उन्हें खड़ा हुआ। जी ने बोला कि अरे कुछ नहीं, बस इतने टाइम बाद बैठा है। नारन अरे क्या बात हो रही है इतनी जोरों शोरों से? कुछ नहीं, बस इतने टाइम बाद बैठे हैं ना तो वही गपशप। फालतू इसके लिए कॉफी लिया? कई कॉफी लेने बैठा, बैठ गया। वो बाबा ने पूछा, रूहान से मिल के आ रहे हैं ना? जी बाबा। क्या कहा उसने? बोला कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस काम शुरू करना है और इसी सिलसिले में थोड़े दिन के लिए बाहर जाना होगा। बोला मतलब ज्वाइन करते ही फील्डवर्क पे लगा दिया? लेकिन टेंशन मत लें, मैं भी कुछ दिन बाद ज्वाइन कर लूँगा। बोला कि काम मैं देख लूँगा बाबा, फिलहाल आप बस हेल्थ पर फोकस करिए। मठ साहब आपकी कॉफ़ी। तू मुझे खड़ा रोलिंग एंड एक्शन। फालतू कॉफ़ी लिख, मार साहब आपकी कॉफ़ी। खड़ा हुआ फालतू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी, प्लीज़ चलो मेरे साथ। दादी ने पूछा, अयान सब ठीक तो है ना? अयान, हाँ दादी सब ठीक है। वो क्या है, थोड़ा फालतू से क्रिकेट के सिलसिले में कुछ बात करनी थी। वो क्रिकेट नहीं खेल पा रही ना अभी, प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रही है, और नेक्स्ट 25 को ट्रायल है। ठीक है दादी, हम अभी आते हैं। चलिए लोग चले गए। गोवर्धन ने बोला, अब सब ठीक हो रहा है तो फालतू भी अपने खेल पे ध्यान दे पाएगी। जनार्दन जी बोले, पता नहीं क्या होने वाला है, अयान तो अब ऑफिस के काम में बिजी रहेगा, फालतू को प्रैक्टिस कौन कराएगा, और ऐसे बीच में एकेडमी भी नहीं लेगी। और पता है जहाँ तक मैं जानता हूँ इस लड़की को, वो फैमिली को इतनी इम्पोर्टेंस देती है ना, मुझे नहीं लगता कि वो क्रिकेट के लिए अपनी फैमिली को छोड़ेगी। वेल, आपको क्या लगता है कि दादी के घर वापस आने के बाद क्या अब बयान का बर्थडे ग्रैंड होने वाला है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टेलीविजन से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए देखते रहें फर्स्ट इंडिया टेली। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।